हाँ जी, मैं व्लॉगर हूँ सर, मोटो व्लॉगर था, यूट्यूबर हूँ। हम नेपाल की तरफ जा रहे हैं, मैं और मेरा भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए। मैं भी एकदम मस्त हूँ भाई। तो भाई आप सोच रहे हो तो पिछला व्लॉग इसने ऐसी एंड किया, अब उसी टाइम इसने नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो भाई नया व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि भाई को तब से बोल रहा था, मैं कहा चलो यार चाय पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं, बट भाई ना मंजूर है उठ जाए ना भाई, भाई मेहनत बहुत कर रहा कसम से। रात के 12 बजे वीडियो ऑन कर दिया, चाय लेकर आया भाई साहब आप लोगों के लिए। ईमानदारी बता रहा हूँ भाई के वीडियो पे ना, फटाफट एक लाइक मारो और एक बंदे को शेयर करो ताकि वो सब्सक्राइब करे, थोड़ा दिल बढ़ जाए भाई का। देखो कितना रो रहा है, धन्य हो गया मैं। गाइस चाय पी लो। गाइस पता क्या हुआ, बहुत थक गए थे वीडियोस वगैरह एडिट करते करते, तो भाई हम लाए हैं कुल्लड़ वाली चाय। पैकेट पकड़ो नीचे से, ये देखो गाइस कुल्लड़ वाली चाय, साथ में लाए हैं हम बिस्कुट। अगर आपके पास ट्रेवल पार्टनर जैसा हो तो आपकी जिंदगी स्पष्ट मस्त मस्त जाएगी। देखो भाई आराम से मिल जाएगी। भाई आराम से वीडियो एडिट कर रहे थे, मैंने गया भाई बाहर चाय जो लेके आया, अब पीते हैं और भाई मस्त से ना वीडियो फिर से एडिट करते हैं और गाइस सो जाते हैं। कल सुबह आराम से उठेंगे और निकल जाएंगे गाइस अपने नेपाल के लिए, बांग्लादेश, नेपाल के लिए। सो नहीं गाइस बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश जाएंगे पर अभी नेपाल, नेपाल गाइस नेपाल नहीं, यहाँ से बांग्लादेश के लिए बोल देंगे। चलो कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, मजे करेंगे भाई, आपको मजे कराएंगे। चलो बस मजे कराएंगे। हाँ गाइस चाय पी लो। सो फाइनली हमने चाय ना गिलासों में भी डाल दी, बिस्तरे पे भी डाल दी यार, होता रहता है कोई बड़ी बात नहीं। सो भाई बिस्किट भी लाए, चाय लाए। चलो सर पियो और अपनी बात भी एडिट करो। टेस्टी है, पहले मेरे को बताओ। हमारी रोज की रूटीन पता क्या हो गया, रात को आओ बाइक से ना सामान उतारो, कमरे में लाओ, फिर सुबह उठो बाइक सामान उठाओ, बाइक पर लोड करो भाई, यही यही हो गया भाई बस हमारा। सो ये सारा रहा हमारा सामान, ये कुछ इतना बड़ा सा हमें रूम मिल चुका था कल, आराम से नींद वगैरह पूरी हुई सब कुछ भाई। आज तो आराम से भाई उठे हैं सुबह, तो अभी सब चीज़ें डन हो चुकी हैं, अब बस भाई ब्रेकफास्ट करना है। सो चाय वगैरह पीनी है, सो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पीते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा अयोध्या एक्सप्लोर करते हैं, देन जो मेन चीज़ है ना नेपाल, तो आज हम होंगे गाइस नेपाल में। बस भाई इसी चीज़ का वेट था कि कब हम नेपाल एंटर हो जाएंगे, तो भाई आज वो दिन है जब हम नेपाल पहुँच जाएंगे। आपको सारी चीज़ें बताएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी पर क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है और जो जो चीज़ें होंगे सब बताएंगे। और हम भाई हम दोनों 2023 के पहले ब्लॉगर्स होंगे जो बाइक लेके नेपाल के अंदर जाएंगे भाई। देख रहे हो भाई, देख रहे हो टोरा भाई का। गुरुद्वारा साहिब में मिल चुकी है चाय, सब चाय वगैरह पीते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। ये देखो इन्होंने तो पीने भी शुरू कर दिया, हम पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से बड़बड़ अयोध्या थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर चलते हैं नेपाल। गाइस मुझे लगा कि हम भाई यहाँ से निकल के ना सीधा राइड पे जा रहे हैं, बट मुझे क्या पता था कि हम यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, तो भाई मैंने वही भाई जो अपना जो नॉर्मल राइडिंग के लिए पहनता हूँ भाई, पटका वगैरह बांध लिया और वाला बांध लिया, बाद में कहते कि हमने घूमने जाना। मैंने कहा मेरे को बताते हो सही में तैयार तो होता, तो भाई तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार, तो भाई कमेंट कर बताना तुम्हारा भाई कैसे लगा। ये भाई मेरा शादी में है, इसको इनविटेशन देना पड़ेगा भाई, आसपास भी घूमना है। तो भाई छोड़ो यार, आप ना कमेंट में बताओ कि आपका भाई कैसा लग रहा है, और रील्स आएंगी ये इंस्टाग्राम पर नाम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अमेजिंग अमेजिंग रील्स आएंगी भाई। थोड़ा दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ, पूरा आउटफिट दिखाओ मेरा। तो ये देखो भाई, ये कुछ हमारी पैंट्स है, ये हमारी कुछ बैगी टी शर्ट है और अपना पोलो स्टाइल, बस मजेदार। तो बताओ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं, ठीक है कमेंट से बताओ, फटाफट कमेंट पढ़ूंगा सारे सारे, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। गुरुद्वारा साहिब से निकल चुके और बाहर का मौसम देख रहे हो भाई, मतलब मैं आपको कहा ना भगवान भाई हमारे साथ ही है। ये देखो भाई कितना ज्यादा मौसम हो रखा है भाई, सभी चलते हैं फटाफट यार, और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी भाई, और मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी ना कपड़े पहन के भाई, गिल्ले हो जाएंगे सारे पे, गंदे हो जाएंगे और भाई फिर धोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, गलती कर दी शायद। तो जब मैं शॉप पे आ चुका तो भैया बना रहे हैं यहाँ पे डोसा, तो अर्श भाई कहते मैं खाऊंगा डोसा, पर मैंने कहा भाई भैया यहाँ पे बना रहे थे आलू परांठा, मैंने कहा भाई आप मेरे को आलू परांठा दे दो साथ में आ जाएगी चाय। भाई यहाँ पे ना भाई के लिए डोसा आ चुका है, भाई मेरा भी आलू परांठा बन रहा है, तो मैंने ना भाई पहले ही चाय मंगा ली, रात को हमने चाय पी ना भाई, वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी, अब इसको भी टेस्ट करते हैं भाई, ये भी उतनी टेस्टी है कि नहीं। हाँ टेस्टी है भाई। तो भाई मेरा भी आलू परांठा आता है, फिर खाते हैं भाई, और इसको भी टेस्ट करते हैं थोड़ा सा भाई ये कैसा है। ये रहा हमारा मसाला डोसा, सांबर और चटनी, भाई आलू आलू दे दो यार। मेरे यहाँ पे दो कप चाय खत्म हो गई, उसके बाद भाई मेरा नाश्ता आया, चाय खत्म हो गया, एक और मंगाऊ ना मंगाऊ चलो क्या करना है। कोल्ड ड्रिंक भी बढ़िया, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यार, अब टेस्ट करते हैं। अच्छा भाई टेस्ट में खाली बैठ गया, आप टेस्ट करके बता रहा हूँ।
ठीक है, जब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास, तो अब चलते हैं अंदर भाई। तो भाई ये चक्कर, मतलब बाकी सारी साइड पे मतलब स्टॉल वगैरह लगे, सिंदूर वगैरह सब कुछ भाई बेच रहे हैं आप भाई। तो यहाँ से ना प्रसाद वगैरह ले लिया, सो अभी चलते हैं फटाफट गाइस अंदर मंदिर की तरफ। चलो ने प्रसाद वगैरह भी चढ़ा दिया, सो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। सो ये देखो भाई, दर्शन कर लो आप भी। तो भाई हमने माता वगैरह देख लिया, प्रसाद वगैरह भी ले लिया, अब चलते हैं गाइस बाहर दूसरी जगह। अब कहाँ जाना हमने बताते हैं, अभी अभी बताते हैं, नीचे जाके डिसाइड करते हैं जगह। हमने सारी भाई नाम वगैरह लिख लिए हैं जहाँ जहाँ जाना है, तो अभी बस नीचे चलते हैं। पहला ये मंदिर था, यहाँ पे आए हैं, उसके बाद भाई और जगह भी है, वहाँ भी चलते हैं। सो गाइस ये प्रसाद के लड्डू है ना भाई, ये लड्डू है बेसन के लड्डू भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे भाई। मतलब ऊपर से प्रसाद है, प्रसाद आपको पता ही है भाई कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी बस हम जा रहे हैं भाई अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, तो चलते हैं भाई। पाँच छः जगह आएंगे, हमने वो किए हैं शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो भाई वहाँ आ जाएंगे भाई। अभी कह रहे हैं दशरथ महल, तो वो यहाँ से 100 मीटर दूर है इस मंदिर से कह रहे हैं, तो यहीं से चलते हैं फटाफट वहीं से पैदल पैदल भाई, क्योंकि वापस बाइक लेने कौन जाएगा। एक बार दशरथ महल हो आते हैं, उसके बाद देखते हैं जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं। ये रहा दशरथ महल भाई, ये देख सकते हो कितना ही भाई शानदार है भाई। तो फाइनली गाइस, मतलब हमने लिखा भी था कि दशरथ महल जो है वो 4 बजे के बाद एंट्री होती है, बट हम पहले ही आ गए भाई। अभी कह सकते हैं वापस जाना पड़ेगा, 4 बजे फिर आएंगे भाई। बताते ही नहीं है यार, 1-4 बजे खुलेगा देखना, क्या बैठे हुए बस इतनी देर से एक्सप्लोर करी, इतनी देर से वीडियो देखी जा रहे हैं, यहाँ जाना है, बट टाइम ही नोट कर रहे कि भाई कहाँ कितने बजे जाना है क्या करना है। बड़े वो यार आप सही में यार, छोड़ यार अब वापस ना चलना पड़ेगा यार, जाओ यार। मैं कह रहा हूँ आओगे ना कि जिम्मेदार बंदे के साथ आना यार, ऐसे ही भाई जिम्मेदार के साथ आना, जिम्मेदार के साथ। भाई साहब को लिखवा के रखा था, कुछ नहीं लिखवाया, मैं 4 बजे खुलता है, लेकिन अगला आदमी पता नहीं कौन से बेहोशी के नशे ले रखे थे, कुछ नहीं बोला भाई उन्होंने मेरे को, ऐसे लिखवा रखा है, दिखाऊं। ओके गाइस बाय बाय। तो दोस्तों जैसे निधिवन के लोगों का कहना था कि वहाँ पे श्री कृष्ण जी आज भी आते हैं, तो वैसे ही यहाँ हनुमानगढ़ी में भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे सुबह 4 बजे ना मुझे हनुमान जी आते हैं। तो भाई ये ना नहर के बीच में से ना एक छोटा सा पैच इस साइड को दिया, वहाँ देख रहे हो वहाँ से पानी भाई आ रहा है इस साइड, और ये छोटा ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ लगा लो आधे किलोमीटर का होगा, ये नदी छोटी सी बनाई है उन्होंने, और वहाँ पे सारे लोग ना भाई डुबकियां लगा रहे हैं। सो वहाँ चलते हैं और वहाँ के भी आपको नजारे दिखाते हैं। सो गाइस अभी हमने रील्स वगैरह बना ली, इंस्टाग्राम पर नाम हमारा, फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई अमेजिंग अमेजिंग रील्स और पोस्ट के लिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भाई। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, देख रहे हो अंदर है और इसको खींची जा रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर सा यहाँ बना रहे हैं भाई, कुछ पता नहीं भाई। ये जगह भाई बता दूं, ये जगह है राम की पौड़ी। गाइस ये चेक करो भाई, लोगों की मस्ती चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये आधे डुबकियां लगा रहे हैं, ये देखो वाह भाई सही है। देखो यहाँ पे भाई कितने अच्छी भाई इन्होंने सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जय सिया राम, ये चेक करो यार। अभी हम जा रहे हैं रामलला की जन्मभूमि पे, सो यहाँ से चलते हैं फटाफट वहाँ पे। यहाँ पे तो भाई हमने जितने मतलब रिकॉर्ड करनी थी चीज़ें उतनी रिकॉर्ड कर ली, जो चीज़ें आपको दिखानी थी दिखा दी, जो चीज़ें खुद देखनी थी देख ली। चलते हैं रामलला की जन्मभूमि पे और वहाँ चल के आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं रामलला की जन्मभूमि पे, सो ये चेक करो, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं, शूट करने देंगे फिर आपको दिखाते हैं। सो पहले क्या सब यहाँ से ना आगे फोन वगैरह अलाउड नहीं है जाना, सो अभी यहीं पर लॉकर वगैरह में रख देते हैं, यहाँ पर वीडियो मत बनाओ। फाइनली गाइस यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए, अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो फोन वगैरह जो है वापस हमने ले लिया है, जो लॉकर्स है ना लॉकर फैसिलिटी वो बिल्कुल मतलब एंट्री के साथ ही है, तो पीछे आप कहीं भी रखो मत, सीधा जो गवर्नमेंट की तरफ से है ना भाई लॉकर्स, आप वहाँ पे लॉकर्स में रख सकते हो। और भाई अंदर हम गए तो जो नींव वगैरह जो है ना वो सारी बन चुकी है, और कह रहे हैं कि 2024 18 जनवरी को ना नेक्स्ट ईयर 18 जनवरी को मूर्ति जो है ना वो वहाँ पर स्थापित हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मंदिर तो भाई बनता ही रहेगा। अब दशरथ महल के ना पट खुल चुके हैं, तो अब हम अंदर जा सकते हैं, पहले आए थे ना तो भाई ये बंद थे, अब जो है खुल चुके हैं, सो अब अंदर चलते हैं। और भाई ये चेक करो यार, मतलब कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है बना हुआ यार ये, वाह। हम आ चुके हैं अंदर, ये देखो यार कितना खूबसूरत बना हुआ है यार ये दशरथ महल। तो देखा भाई कितना सुंदर बना हुआ था अंदर सारा कुछ। अब चलते हैं भाई किसी और लोकेशन पर, आपको कहीं और लोकेशन भी दिखाते हैं। अब ना मेरे को भूख लगी थी तो मैंने भाई से आलू चाट मंगवा लिया भाई, ये बनाइए टेस्ट करते हैं, बताते हैं वो कैसी है भाई। है तो भाई टेस्टी है, एक बार और खा सकता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं, इस जगह का नाम है राम मंदिर कार्यशाला। तो
इस जगह का नाम है राम मंदिर कार्यशाला। सो राम मंदिर में जितने भी वहाँ पे जो पिल्लर्स वगैरह है, स्टोन्स वगैरह जो भी है ना, वो सारे यहीं से जो है फिनिश्ड होके फिर वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ जो जगहें देख रहे हैं ना आप, 1, 2, 3, 4, मतलब इन सारी जगह ना ऐसी ऐसी मूर्तियाँ बनेंगी और पूरे पिल्लर में 16 मूर्तियाँ होंगी। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस आपको बताने के लिए, सो वो आपको हल्की हल्की मतलब थोड़ी थोड़ी करके आपको बताते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे गुरुओं के रिलेटेड भी, तो भाई यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं वो एक्सप्लोर करने चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे उनको आके देखनी चाहिए। यहाँ पे ना मेन आपको ये चीज़ दिखाने आया था, ये देख रहे हो गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पे वो पोस्टर लगा। ये इसलिए लगा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने ना अपने निहंग सिंहों को भेज के यहाँ पे ना बाबर से जो ये मंदिर की जगह है ना, उन्होंने वो कब्जा कर लिया था हिंदुओं से, तो वो जगह वापस हिंदुओं को दिलाने के लिए हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक निहंग सिंहों को भेजा था यहाँ पे, जो कि जिन्होंने जो है वो कब्जा मुगलों से वापस लेके वापस हिंदुओं को दे दिया था। तो यहाँ पे साइड साइड में हमको सब कुछ जो है लिखा हुआ मिलेगा, जो पूरी हिस्ट्री है तो यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। उसी एक हिस्ट्री के बीच में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का भी जो है हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, उनका पोस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ, कैसे इन्होंने जो है मुगलों से जो है जो जिन्होंने मुगलों ने कब्जा कर लिया हुआ था राम मंदिर पे, तो उस कब्जे को वापस लेके जो है हिंदुओं को दिया था। सो यहाँ पे भी बहुत मेन रोल है गाइस गुरु गोविंद सिंह जी का। यहाँ पे अयोध्या में हमारे रामलला के जन्मभूमि में जब कब्जा हो गया था, तब उसमें बहुत बड़ा जो है रोल है गुरु गोविंद सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने निहंग सिंह भेजे थे जिसकी वजह से मुगलों से जो है वो कब्जा वापस लेके हिंदुओं को ही वापस दिया था। वो सारे पत्थर हैं जिस पे अभी जो है निकासी होगी, और ये जो है साइट पे भेजा जाएगा, मतलब राम मंदिर वाली जो लोकेशन पे भेजा जाएगा। जैसे ये क्रेन है, सो ये क्रेन जो है पत्थरों को लेके वहाँ पे जाएगी, फिर उसके बाद जो है वहीं पे जो है सारे पत्थर जो है लगेंगे और राम मंदिर जो है तैयार होगा। ये कह रहे हैं कि अगले साल मतलब 2024 18 जनवरी को वहाँ पे जो है मूर्ति जो है वो स्थित हो जाएगी, उसके बाद जो है मंदिर का काम चलता रहेगा, बट 18 जनवरी 2024 को ना दर्शन करने जो है शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे मूर्ति वगैरह स्थित हो जाएगी और उसके बाद जो है श्रद्धालु वहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। सर यहाँ पे जितने भी पिलर है ना, इन सारे पिलरों पे भी जो है भगवानों की मूर्तियाँ बनेंगी, जो ये साइड्स है ना हल्की हल्की, ये यहाँ पे सारी ना मूर्तियाँ बनेंगी। पता है किस हिसाब से, अभी आपको दिखाता हूँ। आगे एक पिलर जो है वो फिनिश्ड है, फिनिश्ड, तो उसमें आपको दिखाता हूँ जैसे बनी है ना एक पिलर, जैसे ये पिलर है ना, इस एक पिलर में 16 मूर्तियाँ जो है होंगी। जैसे देख रहे हो ये रहा वो, मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है लकड़ी से यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब पूरा राम मंदिर जो है ऐसा बनेगा। सो देख रहे हो, मतलब यहाँ से जो है इसी जगह से सारे पत्थर वगैरह जो है निकासी होके भाई वो राम मंदिर की तरफ जाते हैं, मतलब थ्रू कोई भी गाड़ी या फिर क्रेन जैसे पीछे थी, तो मतलब एंड में ना कुछ ऐसा आएगा राम मंदिर भाई। ये मूर्तियाँ देखो भाई, मतलब कितनी ही मतलब निकाशियाँ, कितनी ज़्यादा मतलब कितनी बेहतरीन यहाँ पे भाई इन्होंने काम कर रहे हैं। देख रहे हो पत्थर, देख रहे हो सारे ये शिलाग्राम। सो ये जो है ये पत्थर जो है नेपाल से आए हैं भाई, सो आपने देखे होंगे भाई वीडियोज में। सो ये देखो शालीग्राम। सो गाइस यहाँ पे जो दो पत्थर है ना, इस पे सीता जी की मूर्ति बनी थी और इसमें राम जी की मूर्ति बनी थी, बट ऐसे कह रहे हैं कि अभी कुछ क्लियर नहीं बनेगी नहीं बनेगी, मतलब इस चीज़ पे भी कोई भी भाई जो है मतलब क्लैरिटी नहीं है। सो हमें प्रसाद वगैरह भी मिल चुका है, सो यहीं पे, तो भाई यही वो पत्थर हैं जो नेपाल से आए थे भाई। होप सो कि भाई ये वीडियो ट्रैवल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह किया था, मतलब आए हैं तो एक्सप्लोर तो करेंगे ही ना, तो मैंने सोचा दिन वेस्ट क्यों देना, वीडियो तो बनाए, आपको कुछ नई चीज़ दिखाने को मिल जाएगी हमें। सो वही चीज़ें एक्सप्लोर वगैरह कर रहे हैं और आपको दिखा दी भाई यहाँ पे आगे। भाई लोग जब एक बार चीज़ खाते हैं ना तो भाई दूसरे दिन जाते हैं अगर उनको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आई हो, और भाई अगर एक ही दिन में मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर तुम 4 बार सेम चीज़ मंगाओ ना भाई, वो रुतबा भाई का। भाई हम अभी यहाँ अयोध्या में, और अयोध्या में हमने भाई यहाँ मोमो का स्टॉल था, हमने कहा मोमोज ट्राई करते हैं भाई, एक एक प्लेट खानी थी भाई, 4-4 प्लेट खा चुके हैं, साथ में रोल भी खा लिया। बिग फैन सर, बिग फैन, बिग फैन सर, बिग फैन। ओए हाथ गंदे, हाथ गंदे, ये पकड़ो। तो भाई एक जगह खड़े होकर 4-4 प्लेटें खा गए भाई, इस भाई ने खिलाई हमें भाई। जगह कौन सी है? नया घाट अयोध्या, नया घाट। तो भाई अयोध्या नया घाट, और भाई ये देख लो भाई, भाई के स्टॉल का नाम पढ़ लो भाई। एक खाने आए थे, 4-4 प्लेट खा के जा रहे हैं। अगर आप अयोध्या आओगे भाई तो एक बार जरूर ट्राई करना भाई, मेरे को ऐसा टेस्ट जम्मू में नहीं मिला भाई, बट यहाँ मिल गया। और भाई स्पेशल चीज भाई साथ में पापड़ वगैरह भी देता है यार, मतलब ये कोई नई चीज़ थी यार। सो भाई एक बार आओगे ट्राई जरूर करना। शाबाश शाबाश भाई, ठोक दी। ओ गिरी है, आपने गिराई थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। इंडिकेटर चालू कर दो एक बार भाई, देखो इंडिकेटर तोड़ दिया, ये देखो उंगली जा रही है। चलो भाई खोत रहा था हाँ जी, मैं व्लॉगर हूँ सर, मोटो व्लॉगर था, यूट्यूबर हूँ। हम नेपाल की तरफ जा रहे हैं मैं और मेरा भाई। कैमरा बंद करिए।